We have some breaking inputs coming in now. Under fire over the tragic incident where three students lost their life, Aam Aadmi Party is looking to shift responsibility. Letter has been written to the Prime Minister. An appeal, I beg your pardon, has been made by the Aam Aadmi Party to the Prime Minister to form a joint committee of MPs from all parties. And this committee should meet students, parents and owners of coaching institutes. And this problem should be resolved. That's the appeal of the Aam Aadmi Party to the Prime Minister. आम आदमी पार्टी चाहती है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के शिक्षा मंत्री जी, जो देश की आवाज है, देश की जनभावना है, छात्रों की जो पीड़ा है, छात्रों के गार्जियंस की जो पीड़ा है, लोग खेत बेच बेच करके अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, कर्जा ले ले करके लोग अपने बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कल वो सिलेक्ट हो जाएगा तो हमारे परिवार का, हमारे खानदान का नाम और काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से मनमाना साम्राज्य है, इसे कंट्रोल करना आज वक्त की जरूरत है। और पार्टी की तरफ से हम निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पहल करें, संसद के अंदर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए सभी पार्टियों के सांसदों की, और वो कमेटी सभी छात्रों से, कोचिंग संस्थान के मालिकों से, जो गार्जियंस है उनका क्या दर्द है, गार्जियंस अभिभावकों को रख करके एक ज्वाइंट कमेटी बने और वो इस देश के अंदर जो एक नई चुनौती इस बेरोजगारी के दौर में उभर करके आई है, इसका समाधान करे। जे So multiple developments taking place from the streets of the national capital to developments happening in the Delhi High Court. You got to know it first here on Times Now. We'll keep you updated on the other side of a short break as well.